अरे भाई छोड़ दो यार, रुक जा। अरे कितना मारोगे भाई, कितना? यही दंग करा था ना, माफी मांग। आईने नहीं मैं करूंगा मैं। चल 6 महीने का किराया निकाल। हाँ, दे रहा हूँ, जल्दी निकाल। हाँ कितने ही? ये 6 महीने के। बाकी 6 महीने का तेरा बाप देगा? बाप क्यों देगा, मैं दूंगा। थोड़ा सा टाइम दे दो ना यार। चल ठीक है ठीक है, कोई नहीं, टाइम दिया। आपको चाहिए थे पैसे तो मुझे बोल देती। भाई हूँ कि भाई? अरे भाई किसको बोल रहा है? मतलब कि मैं भाई हूँ ये नहीं है। ये कौन तेरा फुप्पा है ये सवालात कर रहा है? चल आंदा टाइम से। हाँ थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारा फर्ज था। बकवास बंद करो, तुम हीरो बन रहे थे क्या? बकवास हो रही है ये। हम तो मदद कर रहे थे। तो बाप लगते हो मेरे। देखिए भाभी, मेरा मतलब है भाजी, इस तरह के लोग जो होते हैं ना, वो लातों के भूत होते हैं। अबे ये कौन है? ये मेरा दोस्त है मुनव्वर। मुन्नू चुप, बिल्कुल चुप। साइड पे खड़े हो तुम। ज्यादा बोले ना ऐसा लाफा मारूंगे कि सारे तबक रोशन हो जाएंगे। क्या कर रहे थे तुम? दिमाग विमाग काम करता है तुम्हारा? वेरा हम तो हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। ओ भाई तुम ना मुझे मेरा किराया टाइम पे दे दिया करो, इतनी ही मदद काफी है। निकलो यहाँ से, निकलो। सॉरी। चलो निकलो। ओ हीरो बेटा तुम भी। अब मेरी किस्मत में आ जाते हैं भैंस। नेकी का तो जमाना ही नहीं है यार। मेरी दादी मरहूमा कहती थी 21वीं सदी करो नेकी हो बदी। अब उस बात का मतलब समझ में आ रहा है। तेरा ही आइडिया था ना कि जाके उस दुकानदार को मारूंगा तो हीरो बन जाऊंगा उसके सामने। तेरी बात ही नहीं माननी चाहिए थी। बात सुन, आइडिया मेरा बिल्कुल ठीक था, भाभी का रिएक्शन गलत था। उनकी जगह कोई और लड़की होती ना, तेरे प्यार में यूं पिघल जाती। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है। चुप कर यार। देखिए रमजान स्पेशल सीरियल रफ्ता रफ्ता हफ्ता और इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।